हेलो एवरीवन वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर एंड वी विल कंटिन्यू अवर क्लास इलेवन पॉलिटिकल साइंस चैप्टर थ्री इक्वालिटी अब इक्वालिटी के तीन डायमेंशन होते हैं यहाँ पे हम देखने वाले हैं थ्री टाइप्स ऑफ थ्री डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी आर देयर पहली इसमें है पॉलिटिकल फिर दूसरी सोशल तीसरी है इकोनॉमिक पॉलिटिकल दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स जिसमें आप अभी देखेंगे कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारी चीजें सोशल सोसाइटी से रिलेटेड एंड इकोनॉमिक जो हमारे फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड सारी की सारी चीजें हैं सो पॉलिटिकल इक्वालिटी में एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पॉलिटिकल इक्वालिटी वुड नॉर्मली इंक्लूड इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल मेंबर ऑफ द स्टेट यानी कि जितने भी स्टेट के मेम्बर हैं बिसड दे रेस रिलीजियन कास्ट उन सब दूर रखते हुए वट वी सी वी गिव दम इक्वल सिटीजनशिप चैप्टर सिटीजनशिप की जो इक्वल सिटीजनशिप है ये इसकी वजह से क्या होगा equal basic rights होंगे जैसे कि राइट टू वोट राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एसोसिएशन जो भी हमें पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट right देता है वो सबको इक्वली मिलेंगे सो so, ये ऐसे राइट्स होंगे जो बहुत नेसेसरी होंगे किसी भी सिटीजन के लिए कि वो अपने आप को डिवलप कर सके और पार्टिसिपेट कर सके इन द अफेयर ऑफ द स्टेट कि स्टेट में जो भी सारी की सारी चीजें हो रही हैं, बट ये कैसे हैं उसके ये लीगल राइट्स हैं जो कि गारंटी कौन करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ वी ऑल नो दैट वी हैव सिक्स फंडामेंटल राइट्स अब ये छह के छह फंडामेंटल राइट जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी से हमें दे रहा है यानी कि ये राइट्स हमसे दुनिया में कोई नहीं छीन सकता है हाँ ठीक है कुछ एमरजेंसी प्रोविजन्स होते हैं देखो एक्सेप्शन तो हर जगह होगी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको हर जगह देखने को मिलेगी बट स्टिल दे आर गारंटेड बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन देश के हर एक सिटीजन को क्या समझता है इक्वल समझता है अब वी नो दैट द कंसिडरेबल इन इक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट होती है बट ये जो इनइालिटी है ना ये क्यों आती है क्योंकि रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है यानी कि आप ये देखो जो वर्ल्ड के टॉप फिफ्टी लोग हैं उनके पास लगभग इतना पैसा है जितना करोड़ों लोगों के पास मिला के भी नहीं है सो so, रिसोर्सेस क्या है अपॉर्चुनिटीज क्या है अनइक्वली डिवाइडेड हो गई है सो so, एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए देखो बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के शब्द हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए हम कुछ चीजें और ऐड करते हैं जिसमें हम गरीबों को सब्सिडी देते हैं और लोअर कास्ट को जो पहले के टाइम पे उन्हें लोअर कास्ट समझा जाता था उन्हें रिजर्वेशन देते हैं ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकें देन कम्स सोशल इक्वालिटी सोशल इक्वालिटी मीन्स द इक्वालिटी दैट इज बेस्ड अपॉन द सोसाइटी एंड सोसाइटल थिंग्स कि यहाँ पर सोशली आप लोगों को बराबर करने की बात कर रहे हो पहले वाले को पॉलिटिकल राइट्स क्यों ज़रूरी थे ताकि लीगल हर्डर्स हटाई जा सकें बट ये क्यों जरूरी है क्योंकि इंसान के सर्वाइवल के लिए एक फेयर और इक्वल जो है उसको सोसाइटी में फील आउट होने के लिए क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं वो चीज़ें ज़रूरी है सोशल इक्वालिटी यानी कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप मिनिमाइज करो सोशल इकोनॉमिक इन को और गारंटी करो ईच सिटीजन को क्या गारंटी करना है हमें कि मिनिमम कंडीशन जो लाइफ है ना वो हमें सबको देना पड़ेगा जिसमें एडिक्वेट हेल्थ केयर आता है इसीलिए कई सारे सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं गुड एजुकेशन हो गया हमारा जो बच्चों को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा एडिक्वेट नरिशमेंट मिनिमम वेज इन सब चीज़ों का ध्यान स्टेट को अपने लेवल पर रखना पड़ता है बट ये सारी चीज़ें स्टेट के मतलब हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं डाली गई है ये चीजें किस में डाली गई थी ये चीजें डाली गई थी डीपीएसपी पी एस पी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिटेट पॉलिसी इसीलिए कई सारे स्टेट अपने सिटीजन के लिए बहुत बेहतर काम करते हैं कई सारे उतना बेहतर काम नहीं करते हैं क्योंकि डीपीएसपी टोटली डिवाइडेड है स्टेट क्या करना चाहता है क्या करना नहीं चाहता है सो so, इंडिया के अंदर जो एक स्पेशल प्रॉब्लम है रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी इसमें क्या आता है कम नॉट जस्ट फ्रॉम द लैक ऑफ फेसिलिटी बट कि उसके अलावा कुछ हमारे कस्टम्स ऐसे हैं रीति रिवाज ऐसे चलते आए हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स को हमेशा इन्फीरियर ही माना जाता है जैसे कि वुमेन मे नॉट इन्जॉय इक्वल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सम ग्रुप इनहेरिटेंस मतलब कि जो एक पिता है हो सकता है वो अपने लड़के को ज्यादा प्रॉपर्टी दें या उसके लिए वो ज्यादा करें एज कंपेयर टू गर्ल क्योंकि एक थॉट है बचपन से ही या बचपन मतलब पूरे कंट्री का बचपन की लड़कियां तो चली जाएंगी तो इनके लिए क्या करना सो so, कई सारे हमें घरों परिवारों में ये सब देखने को मिलता है पर कई सारे परिवार ऐसे भी हैं जो इक्वल समझते हैं चाहे वो वुमेन हो मैन हो और इक्वल सच में उनको ट्रीट करते हैं तो दैट तो इज रियली वेरी अप्रिशिएबल सो इन सच केसेस जो रोल ऑफ द स्टेट है ना वो सामने आ जाता है कि वो लीगली ऐसी पॉलिसीज बनाए जो उनके थोड़े बहुत फेवर में हो जो सोसाइटी में पीछे रह गए सो so, एक कैसी पॉलिसीज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन या हेरसमेंट ऑफ वुमेन इन पब्लिक प्लेसेस और एम्प्लॉयमेंट या उसके अलावा इंसेंटिव्स टू ओपन अप एजुकेशन कई सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट क्या करती है वर्क करती है जैसे वर्क प्लेस पे हैरसमेंट पे अभी विशाखा गाइडलाइंस के बारे में आप पढ़ सकते हैं काफ़ी अच्छी जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की फिर आता है आपका इनक्वालिटीज इन एजुकेशन सो आर द डिफरेंसेस इन अटेनमेंट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इन टेबल टेबल देखो आप इसमें है ग्रेजुएट्स पर थाउजेंड कि शेड्यूल कास्ट में एक थाउजेंड में से सिर्फ फोर्टी सेवन लोग ग्रेजुएट होते हैं मुस्लिम्स मेंिक्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स वन जीरो नाइन क्रिश्चियन टू थर्टी सेवन सिख टू फिफ्टी हिंदू अपर कास्ट टू फिफ्टी थ्री और अदर रिलीजन थ्री वन फाइव यानी कि ऑल इंडिया का एवरेज लगभग एक सौ पचपन है तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि इनइक्वालिटी कितनी बुरी तरीके से फैली हुई है नाउ कम्स इकोनॉमिक इन या इकोनॉमिक इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक इक्वालिटी कब होगी जब इन इको इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं होगी सो इन अ सोसाइटी इफ देर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन वेल्थ प्रॉपर्टी एंड इनकम बिटवीन इंडिविजुअल तो ये डिफरेंस हमें जरूर जरूर देखने को मिलेगा अनदर वे कुड बी टू of द नंबर ऑफ पीपल poverty लाइन इंडिया के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन जीते हैं यानी कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं कि वो खाना खा सकें एक वक्त का मतलब कई ऐसे परिवार हैं so, जो भूखे सोते हैं सो जो एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ वेल्थ और इनकम है सोसाइटी अगर आप बोलो कि सबके पास इक्वल पैसा था तो ऐसा तो सोसाइटी में कभी पर भी नहीं हुआ था बट मोस्ट डेमोक्रेसी टू डे ट्राई टू मेक इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू पीपल इन बिलीव दैट दिस वुड एटलीस्ट गिव दैम दो हैव टेलेंट एंड डिटर्मिनेशन द चांस टू इंप्रूव देयर कंडीशन सो हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि जो मार्क्स टाइप की बात है कि स्टेट सारा पैसा लेके फिर इक्वली डिवाइड करें हम क्या बोलते हैं कि हम अपॉर्चुनिटी सबको बराबर देंगे वी विल गिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और फिर जिसके अंदर टैलेंट है ना वो उस पॉवर्टी लाइन को क्रॉस कर सकता है वो चीज को क्रॉस करके एक बेटर सोसाइटी में एंटर कर सकता है सो नाउ दिस इज रेशियल इनक्वालिटी इन यूएस यूएस में आपने देखा होगा ब्लैक्स को राइट्स मिलते मिलते बहुत टाइम लग गया था इनफैक्ट अब भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे प्रॉब्लम करती हैं अब भी वहां पे बहुत भेदभाव है रंग के रूप में क्योंकि उनको क्या लगता था उनके यहाँ पे ना रूल चलता था डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन पावर्स ये अंग्रेजों का चौचला है डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन पावर्स में उन्होंने क्या बोला था कि या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन पावर जब ऐड हो जाता है व्हाइट्स मैन बर्डन थ्योरी के साथ डिवाइन पावर में था कि भगवान ने किंग को ऊपर रख रखा है तो किंग जो है भगवान ने चूज किया है तो सबको किंग की बात माननी है और वाइट्स मैन बर्डन को उसमें क्या जोड़ दिया कि जो गोरे लोग होते हैं ना उनको भगवान अपनी जैसा बना के भेजते हैं यानी कि वो भगवान के प्रिय होते हैं और जो ब्लैक लोग होते हैं ना वो अनसिविलाइज होते हैं उन्हें कुछ करना नहीं आता तो ये वाइट मैन की ड्यूटी है कि वो ब्लैक मैन को जीना सिखाएं तो वो थ्योरी वाइट्स मैन बर्डन थ्योरी लेके आए थे खैर ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो लिटरली सोच के भी लगता है कि कोई ऐसा फालतू तो सोच भी कैसे सकता था बट दे वर थिंकिंग अबाउट इट So जो है एंट्रेंड है सोसाइटी में बहुत ज्यादा है आप इंडियन सोसाइटी अपने आसपास ही देख लो बहुत सारे लोग आपको बहुत अमीर और बहुत गरीब दिख जाएंगे तो ये सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस है सोसाइटी सर्टेन इन सोसाइटी सर्टेन क्लास पीपल जनरेशन सोसाइटी विल बिकम डिवाइडेड बिटवीन दोज क्लासेस एंड रिमेन पुअर ओवर जनरेशन सो इससे सिंपली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अमीर है ना वो और अमीर होता जा रहा है जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है और बेटा पता है एक अजीब सी बात बताऊं मैं आपको कि अगर सोसाइटी में बहुत ज्यादा गरीब हो जाएंगे ना तो अमीरों का जीना मुश्किल हो जाएगा क्यों मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप समझो एक ऐसी सोसाइटी है ठीक है जहां पे सिर्फ आप अमीर हो बाकी सब गरीब हैं तो वो एक टाइम के बाद जब उनके रिसोर्सेस कम होंगे वो आप पे अटैक करेंगे वो आपसे वो चीजें लेने की कोशिश करेंगे तो इसीलिए टैक्स वगैरह का कंसेप्ट आता है जो हमें सिंपली ये सिखाता है कि हाँ ठीक है हम विद टेक्सेशन टेक्सेशन को बांट के किस तरीके से सोसाइटी में इक्वालिटी जो है ला सकते हैं सो नेक्स्ट टॉपिक इज फेमिनिज्म इसको हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में सो थैंक यू सो मच आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू